नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी जंपसूट के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हूँ। तो हमारा ये जंपसूट का पैर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। बॉर्डर के बाद ये 48 लाइन बुना गया है और इसके साथ ही ये 20 सेंटीमीटर तक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो ये पिंक कलर से 8 लाइन कंप्लीट हो गया है, यानी अब अगला 2 लाइन सफ़ेद रंग के ऊन से बुना जाएगा। तो हमें सफ़ेद रंग के ऊन से ही फंदे बढ़ाने होंगे। एक सीधा फंदा बुना और इस पर ऐसे घुमा के चढ़ा दिया। एक फंदा बढ़ गया, घुमाया और इस पर चढ़ा दिया। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने 7 फंदे बढ़ा लिए। अब इन 7 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और शेष फंदों को सीधा। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ गए हैं और अब हमें इसमें सेकंड पार्ट को जोड़ना है। तो जैसे हमने पहले पार्ट में फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हम 7 फंदे बढ़ा लेंगे। 6 और 7 और अब इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। और अब चूंकि इन दोनों का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही धागे से बनाना है, तो इससे हम काट लेंगे और बढ़े हुए फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और दूसरे पार्ट को भी सीधा बुनते चले जाएंगे। सभी फंदे एक ही सिलाई में आ गए हैं, दोनों पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। और अब हमें जैसे हमने इधर की तरफ 7 फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी 7 फंदे बढ़ाने होंगे। हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे और इसको घुमा के वापस इस पे चढ़ा देंगे। एक फंदा बढ़ गया, 2 3 4 तो 7 फंदे हमने इस साइड में, 7 फंदे दूसरी साइड में और 7 फंदे सेंटर में बढ़ा लिए हैं। दोनों को जहाँ ज्वाइंट किए हैं तो 7 फंदे यहाँ बढ़ा लिए हैं, यानी 21 फंदे हमारे बढ़ गए। और इस दोनों पैर में 62 फंदे थे, यानी 124। और 21 फंदे बढ़ जाने से अब सिलाई में 145 फंदे हो गए हैं। तो अब इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ गए हैं। तो अब ये बढ़े हुए फंदे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 6 फंदा उल्टा। तो ये टोटल 7 फंदे हो गए। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और चूंकि हमें अब 2 लाइन गुलाबी रंग के ऊन से बुनना है, तो गुलाबी रंग के ऊन से सभी फंदे हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट के 7 फंदों को छोड़कर। बीच के फंदे भी अपने डिज़ाइन के हिसाब से ही हम बुनते जाएंगे, यानी इन 7 फंदों को भी हम गुलाबी रंग के ऊन से सीधा बुन लेंगे। और दूसरे पार्ट के फंदे भी सारे सीधे बुनेंगे, लास्ट के 7 फंदों को छोड़कर।
अब हम साइड के सात फंदों पे आ गए हैं। चूंकि ये बटन पट्टी है इसलिए हमें इसे सफ़ेद रंग के उनसे बनाना होगा। तो यहाँ पे हम अपना सफ़ेद रंग का ऊन अटैच कर लेंगे और इन बढ़े हुए सात फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बढ़े हुए सात फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब दूसरी साइड से भी पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, उन घुमा के आप अपनी ओर लाएंगे और इन अब छह फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसा करने से हमारा एज जो होगा वो एकदम क्लीन आएगा। सात फंदे बुनने के बाद अब शेष फंदे हमारे गुलाबी रंग के उनसे बुनने हैं, तो गुलाबी रंग के उनसे सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम उल्टा बुनते हुए दूसरी तरफ आ गए हैं। अब इन बढ़े हुए फंदों को हमें सफ़ेद रंग के ऊन से बुनना है। इसके पहले दोनों धागों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और सफ़ेद रंग के ऊन से इन सात फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बढ़े हुए फंदों को यानी बटन पट्टी को हमें उल्टा उल्टा ही बुनना होगा। अपने पैटर्न को कायम रखते हुए और बटन पट्टी को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम 19वां लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे 19वां लाइन है और देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियाँ कंप्लीट हो गई और अब ये 10वां है। तो हमें अब इसमें बटन होल बनाना होगा। तो बटन होल बनाने के लिए पहले उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन ऐसे सिलाई में चढ़ाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना देंगे और फिर शेष फंदे उल्टे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे और ये देखिए ये हमारा ये हमने धागा अपनी ओर किया था, यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। तो यदि हमारा बटन छोटा होगा तो ऐसे हमें बनाना होगा, लेकिन अगर हमारा बटन बड़ा है तब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, यदि मान लीजिए हमारा बटन बड़ा है तब क्या करेंगे, एक दो फंदा हमने उल्टा बुन लिया है, तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, चौथा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरे फंदे को उठा के चौथे फंदे पे चढ़ाएंगे, फिर पांचवा फंदा उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को उठा के पांचवे पे चढ़ाएंगे, ये देखिए, और शेष फंदे अब दो फंदे बचे हैं तो उन्हें उल्टा बुन लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे हमने दो फंदे घटाए थे तो ऐसे ऊपर से ऐसे सिलाई में ऊन चढ़ा के अपनी ओर लाएंगे और दो फंदे बचे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे और शेष फंदे भी उल्टा बुन लेंगे। देखिए बटन होल ये हमने ऐसे इसको फोल्ड किया है, ये बेबी का बायां पैर है
और ये वाला दाहिना पैर है। तो बटन होल हमेशा बाईं ओर बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बटन होल हमेशा बाईं ओर ही बनाएं। तो बाकी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए हम वापस बटन होल के पास आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे दो फंदे घटाए थे और लौटते वक्त यहाँ पे एक जाली बना लिया था। यानी एक जाली बना, दो फंदे घटा और एक जाली बना, यानी एक फंदा कम हो गया। दो बार बुन के एक फंदा बना लेंगे। पहली बार उल्टा बुना, अगली बार सीधा, और अब फिर उन अपनी ओर करके शेष फंदे उल्टे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा होल बन गया। अगर इससे भी बड़ा होल चाहिए तो फिर अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। लेकिन जंप सूट में बहुत बड़ा बटन अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दसवें पे हमने बटन होल बनाया है। तो हर दसवें पे हमें बटन होल बनाना होगा। हर दसवीं लाइन में हमें ये उल्टी धारी हुई दसवीं धारी में, उल्टे फंदों की दसवीं धारी में हमें बटन होल बनाना होगा। और बीच का जो पोर्शन है वो एज इट इज जैसा हमारा पैटर्न है वैसा चलता रहेगा। तो जब हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया है तब से ये देखिए 7 सेंटीमीटर बन चुका है, 7 सेंटीमीटर बन चुका है। और हमें 20 सेंटीमीटर तक बनाना है दोनों पार्ट को ज्वाइन होने के बाद। ये 20 सेंटीमीटर तक एज इट इज़ बनाना है। कोई फंदे ना बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, बस हर दसवें लाइन पर यहाँ पे हमें बटन होल बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, अब 20 सेंटीमीटर बनाने के बाद, 20 सेंटीमीटर तैयार हो जाने के बाद हम मिलेंगे। तो तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिए नेक्स्ट अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।